Welcome to Emerging Domain in Electronics Engineering. My name is Ranjana and I have been teaching at Access Colleges. Today our topic is PN Diode. तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स और बेसिक ऑफ मैटर्स, एनर्जी बैंड डायग्राम और टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स को कवर कर लिया था. इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करें तो एक बार आप वो वीडियो भी प्रेफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसे. अदरवाइज आज हम जो पीएन डायोड पढ़ने वाले हैं वो भी आप समझ लेंगे. नेक्स्ट कम्स टू द कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर. तो आज हमें जो पढ़ना है वो ये समझना है कि पीएन डायोड होते क्या हैं और साथ ही साथ कुछ डिप्लीशन रीजन भी है जो हमें जानना है. इसमें बायसिंग ऑफ डायोड किस तरीके से होती है और करंट इक्वेशन ऑफ डायोड. कुछ यहाँ पे मैंने आपको रियल पिक्चर्स दे रखी हैं डायोड्स की, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं. लेकिन आज जो हमें कवर करना है वो एक्चुअल में जेनेरिक डायोड के बारे में पढ़ना है, द इनिशियल डायोड. फर्स्ट कम्स टू व्हाट इज़ पीएन डायोड. तो जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है समझ पाना कि ये बात हो रही है डायोड की, और जिसे हम पीएन डायोड भी कहते हैं या पीएन जंक्शन भी कहते हैं. तो दिस इज़ नथिंग बट कुछ ऐसा ही होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम देखते हैं ये जो अब हमारा डिवाइस बन के आया है उसी को हम पीएन जंक्शन कहते हैं और आप कह सकते हो डायोड कहते हैं. ठीक है, और इसे अदर वे में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम एक सिंगल वेफर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें हम एक साइड पे क्या करें, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को ऐड कर दें और दूसरी साइड पे हम डोनर इम्प्योरिटी को ऐड कर दें. तो होता क्या है, जब हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक में तो हमें पता है कि हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना लेते हैं, और जब हम डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिल जाता है. तो अब ये जो कंप्लीट वेफर जो कि इनिशियली इंट्रिंसिक था वो अब पीएन जंक्शन डायोड बन गया है, जिसमें अगर आप देखें कि आप दो टर्मिनल्स ऐसे कनेक्ट कर लें तो ये जो डायोड बन के आएगा, इसमें आप देख सकते हो कि टू टर्मिनल्स हैं. वही बात यहाँ पे मेंशन है, टू टर्मिनल्स होती हैं या टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेमीकंडक्टर में. साथ ही साथ इट इज़ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. इस डिवाइस में हम देख सकेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन जो है वो सिंगल डायरेक्शन है, इसीलिए हम उसे यूनिडायरेक्शनल डिवाइस भी कहते हैं डायोड को. ओके, देन कम्स टू, अगर हम इस वेफर को जो मैंने अभी आपको समझाया बिल्कुल उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हमने इस तरीके से कंबाइन किया है तो हमारा डायोड फॉर्म हुआ है. सिंबल की बात अगर हम करें तो सिंबल इज़ लाइक, आप देखें कुछ ये एक एरो हमें दिख रहा है इन वन साइड, और यहाँ से कुछ काइंड ऑफ बैरियर हमें दिख रहा है. आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये एक्चुअल में आपका करंट डायरेक्शन को शो कर रहा है सिंबल. हम देखेंगे कि क्योंकि ये हमारा एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है तो हम देखेंगे कि एनोड से कैथोड की तरफ ये डिवाइस करंट को फ्लो करेगा, करंट इसके थ्रू पास होगा. अगर हम कोशिश भी करें कि इस डायरेक्शन में मींस कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो कराना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे ये हम आगे अभी इसी में कवर करेंगे. आई होप द सिंबल इज ईजी टू रिमेंबर. देन कम्स टू पीएन सेमीकंडक्टर. ठीक है, हम डायोड को समझने से पहले थोड़ा सा एक काइंड ऑफ रीकैप है पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में बताया है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपने वो नहीं देखा है तो, कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर इज़ नथिंग बट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को ऐड किया है, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. ठीक है, ऐसा एटम जब हम अपने इंट्रिंसिक में ऐड कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि बोरॉन के पास एक वेकेंट प्लेस है, या हम कह सकते हैं कि एक होल है. ठीक है, इसीलिए ये बोरॉन जब हमारे इंट्रिंसिक में ऐड होता है तो ये क्या कर रहा है, एक होल्स को हमें प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, चार्ज कैरियर की तरह, और खुद क्योंकि ये एक डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है हम कह सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पे माइनस आयंस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहाँ जहाँ पे बोरॉन वेफर में प्रेजेंट है वहाँ पे आपको ऐसे नेगेटिव आयन मिलेगा जो कि फिक्स्ड है अपने लैटिस पे, वो मूव नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन जो होल इसने क्रिएट किया है वो मूविंग है, वो चार्ज कैरियर है. ठीक है, तो दिस इज़ द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो
तो यहाँ पे हम डोनर आयंस को ऐड करते हैं, या कह सकते हैं ऐसी इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आर्सेनिक अगर हमने ऐड किया तो हम जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत होती है. एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, डोनेट कर दिया है वेफर में, है ना. तो हम देख सकते हैं कि इसने एक अच्छा काम किया है, इसने डोनेशन का काम किया है, तो हम इसे पॉजिटिव चार्ज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. और इसने जो होल्स इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट किया है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक चार्ज कैरियर है. और ये आयन कहीं नहीं मूव कर सकता, ये फिक्स्ड है, लेकिन ये जो चार्ज कैरियर्स इसने हमें प्रोवाइड किए हैं वो मोबाइल हैं, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. और अगर हम इसमें एक बात और करें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स क्या हैं हमारे पास, मेजॉरिटी में आई थिंक इट इज़ विजिबल कि होल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे, और माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़रूर होंगे, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स. अब बात आती है कि मैम जब हमने यहाँ पे नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस को किया है तो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होने चाहिए, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स तो विजिबल है नहीं, लेकिन जैसे हमने इनिशियली बताया कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने एडिशन ऑफ एटम्स किया है या इम्प्योरिटी किया है, ठीक है, और उसके बाद ही हम एक्सट्रिंसिक पे पहुँचे हैं. इट मीन्स कि ये जो इंट्रिंसिक है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को उसमें ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ही ये अवेलेबिलिटी हो जाती है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे. तो ये वेफर भी जो कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इनिशियली बना तो हमारे इंट्रिंसिक से ही है, तो वहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी प्रेजेंट होंगे ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है. साथ ही साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें तो वो हमारे होल्स होंगे, एंड द रीज़न इज सेम, जैसे इंट्रिंसिक में टेम्परेचर चेंज ने कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट किए थे उसी वजह से. देन कम्स टू व्हेन दे आर जॉइंट. अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जब पी और एन जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो कैसा वेफर हमें दिखता है, पर अब बात आ रही है कि इन दोनों को जॉइन किया जा रहा है तभी पी एन डायोड बन रहा है. तो हम देखें कि ये कैसे हो रहा है, मतलब हमने पी और एन को जब हम कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर कुछ नई चीज़ होने वाली है ना. क्यों? क्योंकि एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर हम देखें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी हमने बात करी वो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन लेसर है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप इज़ लेसर और एन टाइप में वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है. कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो ऑब्वियस ही बात है, अब जैसे कि हम अगर बात करें फॉर एन एग्जांपल, हम मान लें कि इन आयंस के पास भी इनका इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल्स को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये इनके पास थे इनिशियली. जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड डिफ्यूज करने लगेंगे, और जो होल्स प्रेजेंट हैं हमारे पी टाइप में वो एन साइड पे जाने लग जाएंगे, जिसका रीज़न जो है वो डिफ्यूजन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से ये मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होने लगेगा. ऐसा होते हुए होगा क्या, आप देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है और होल्स भी इसी तरफ मूव कर रहा है, मतलब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक साथ मिलेंगे, और हमें पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में अट्रैक्ट हुए तो वो क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे. रिकम्बाइन कर गए तो आप देखिए, जैसे ही ये दोनों ये आके यहाँ पे फुलफिल्ड हो जाए या रिकम्बाइन कर जाए इलेक्ट्रॉन होल पे, तो हमें पता है कि क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स मीन्स यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो जाके इस होल पे रिकम्बाइन कर गया. तो हम देख सकते हैं कि इन आयंस के पास अब फ्री चार्ज कैरियर्स जो इनने क्रिएट किए थे वो अवेलेबल नहीं हैं. फर्दर अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन भी तो कोशिश करेगा आगे बढ़ने की, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अभी कॉन्सेंट्रेशन इज़ हायर एट दिस साइड. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना चाहेगा तो अब होगा क्या, ये माइनस आयन उसको रिपल्शन शो करेगा, मतलब ये डिफ्यूजन कब तक होगा अगर ये क्वेश्चन है,
तो वो आंसर उसका ये है कि डिफ्यूजन तब तक ही होगा जब तक ये आयंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकते नहीं हैं, या यहाँ पे अगर ज़्यादा आयंस होते तो फर्दर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर पाता। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि अब ये माइनस आयन क्या करेगा, हमारे माइनस जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्शन शो करने लगेगा। तो ये डिफ्यूजन मीन्स एक मूवमेंट तक होगा और उसके बाद डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद हमें ये दिखेगा कैसा रीजन, कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में हम देख सकते हैं कि कोई भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है हमें। इधर पूरे वेफर में फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो जंक्शन वाली जगह थी जहाँ पे दोनों सेमीकंडक्टर्स कंबाइन हो रहे थे, जुड़ रहे थे, उसी को हम जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन में हम देखेंगे कि इस रीजन में चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं। जो चार्ज कैरियर्स हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है वो डिप्लीट हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि कैसे ये हो पा रहा है। अगर आप इस मेथड को समझ पाएंगे तभी आप आगे जितना भी बीजेटीज और एफईटीज पढ़ेंगे, इवन इसी का भी वर्किंग हमें पढ़ना है, तो उस टाइम आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस पॉइंट को अच्छे से कवर करने के बाद ही आगे बढ़ें। अगर कोई डाउट है तो आप पॉज करके फिर से चेक कर लें। नेक्स्ट कम्स टू, यही बातें यहाँ पर मैंशन की हुई हैं मैंने, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर टेक्स प्लेस नियर जंक्शन। सबसे पहले जंक्शन पे ही रिकम्बिनेशन होने लगेगा, ठीक है। एट द इंस्टेंट टू मटीरियल्स आर जॉइंड द इलेक्ट्रॉन होल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस था, एंड रिकम्बाइन एट जंक्शन रिजल्टिंग इन लैक ऑफ चार्ज कैरियर्स नियर जंक्शन, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि इस रीजन में जो जंक्शन का रीजन है उसके नियर अगर हम थोड़ी थोड़ी दूर पे बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। देन अब इसी बात से कुछ कनेक्टेड बात अभी आएगी। अगर हम देखें तो ये पिक्चर कुछ हमें इस तरीके से ही दिखाई दी जब हमने दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। ये दो टर्मिनल तो हैं ही हमारे पास, लेकिन देखें ज्वाइन करते ही अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया, पहली बात यहाँ पे आयंस प्रेजेंट हैं, तो जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जिसे हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, और ये जो नाम हमने दिया हुआ है कि ये जो रीजन है एक्चुअल में ये कुछ और नहीं डिप्लीशन रीजन है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, चार्ज कैरियर्स ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए हम इसे डिप्लीशन रीजन कह रहे हैं। या हम इसे अगर जो पोटेंशियल में हमने यूज़ किया कि बैरियर पोटेंशियल क्या है, तो हम देख सकते हैं कि अब ये रीजन एक्चुअल में एक बैरियर क्रिएट कर रहा है कि फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ मूव ना कर सके, या होल अगर आगे ऐसे ही बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसे रिपल्शन दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर वोल्टेज होगा उसे हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कह सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल कह सकते हैं, डिफ्यूजन वोल्टेज कह सकते हैं, और बिल्ट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ बिल्ट इन वोल्टेज। तो बिल्ट इन वोल्टेज सेम अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को देखें तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट वेफर्स में। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट होगा हमारा बैरियर पोटेंशियल, या हम कह सकते, और दूसरा जर्मेनियम की बात करें तो वहाँ पर 0.3 वोल्ट्स होगी ये बैरियर। इसका फिजिकल मतलब क्या है कि जब भी आप चार्ज कैरियर मींस आपको इस डिवाइस को कंडक्शन में लाना होगा तो उसमें आप कहोगे कि यहाँ पे जो ये बैरियर है, अगर ये सिलिकॉन का है तो ये 0.7 वोल्ट्स का एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। मींस अगर आपको इस चार्ज को इस बैरियर को क्रॉस करा के और आगे फ्लो कराना है तो आपको इससे ग्रेटर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा डिवाइस में। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट कम्स टू बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि डायोड हमारा टू टर्मिनल डिवाइस था, तो ऑब्वियस ही बात है हम किस तरीके से इस डिवाइस में वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर बाइसिंग। अब एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ डायोड इज कॉल्ड बाइसिंग। मतलब हम किसी भी डिवाइस में अगर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो हम उस टाइम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी को हम बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। इन डायोड इट कैन बी डन इन थ्री वेज। अब हम देखेंगे क्योंकि ये टू टर्मिनल डिवाइस है तो यहाँ पे थ्री वेज से ये काम हो सकता है। फर्स्ट इज जीरो बायस और नो बायस, मीन्स आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अभी जो हमारा एनोड और
कैथोड टर्मिनल है, इसके अप्रॉक्स हमने क्या किया है, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तो ये कंडीशन है नो बायस की। एक हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये नाम ऐसा क्यों रख रहे हैं वो हम आगे वर्किंग पे समझेंगे, ऐसा क्यों नाम रखा जा रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि नो बायसिंग कंडीशन में एक डिप्लीशन विड्थ आ गई है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई भी चार्ज, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा क्योंकि चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर रहे हैं थ्रू द जंक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नो बायस कंडीशन। देन कम्स टू रिवर्स बायस कंडीशन। देन व्हाट इज रिवर्स बायस कंडीशन? जब हम अपने पीएन जंक्शन को किस तरीके से कनेक्ट करें, हम अपनी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट कर दें पी साइड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है अपने बैटरी का वो हम एन साइड से कनेक्ट कर दें, तो उस मोमेंट जो बायसिंग होती है उसे हम रेफर करते हैं रिवर्स बायसिंग के तौर पे। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी हम वर्किंग में समझेंगे। देखिए, हमने कहा कि पी साइड पे हम क्या करें, पी साइड पे हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन साइड पे हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को कनेक्ट किया है। तो इस मोमेंट देखिए अब ये वर्किंग कैसे करेगा। इसके लिए हमें पता है कि हमारे पी साइड में होल्स होते हैं, ये चीज़ हमें पता है, जितना हम डोपिंग करेंगे उतने ही होल्स यहाँ मिलेंगे। एन साइड में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से, पूरे वेफर में होंगे। ठीक है, जो डिप्लीशन रीजन बना हुआ था वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा जब हमने बायसिंग नहीं करी है उससे पहले। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस तरीके से स्टैक्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, डोनर इम्प्योरिटीज़ के और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ के नेगेटिव आयंस यहाँ पे स्टैक्ड होंगे। ठीक है, इनिशियली कंडीशन ऐसी होगी, लेकिन जब हम यहाँ पे वोल्टेज ये अप्लाई कर रहे हैं तब हम देखें कि क्या होता है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, जिस जो करेगा क्या, नेगेटिव टर्मिनल हमारे इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिससे होगा क्या, आप कह सकते हो कि अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करें तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ से आयंस फिर और ऐसे रह जाएंगे जिनका चार्ज कैरियर मूव कर गया होगा टुवर्ड्स बैटरी, और वैसे ही यहाँ पे भी पी साइड में भी अगर हम देखें तो आयंस और हो गए होंगे ऐसे जिनके पास अपना फ्री चार्ज कैरियर क्या हुआ है, डिप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो बैटरी ने अट्रैक्ट कर लिया है। तो अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करें तो यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये जो रीजन आया है ये इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, विड्थ तो इंक्रीज हुई ही, और हम देखें कि इस जंक्शन के अप्रॉक्स क्या कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक माइनर सा करंट फ्लो कर रहा है। कैसे, हम देखें, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो क्या करेगा, हमारे इन होल्स को रिपेल कर रहा होगा, और साथ ही साथ जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो क्या कर रही होगी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को और भी इस तरफ मूव कर रही होगी। साथ ही साथ हम रिवर्स में अगर देखें कि करंट हमारा फ्लो कैसे कर रहा है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, और वो भी माइनर सा करंट फ्लो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पी साइड में माइनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनको भी अट्रैक्शन मिलेगा टुवर्ड्स द बैटरी इस तरीके से। ठीक है, जो होल्स हमारे एन साइड में प्रेजेंट हैं उन्हें क्या होगा, अट्रैक्शन मिलेगा टुवर्ड्स दिस बैटरी नेगेटिव टर्मिनल। तो जंक्शन के अप्रॉक्स मूव होने वाला जो चार्ज है इस मोमेंट वो माइनॉरिटी चार्ज है, और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो करेगा वो उसके रिवर्स में हम कन्वेंशनली शो करते हैं, तो इसीलिए हम IS जो कि एक रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इस रिवर्स डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये चार्ज कैरियर मतलब किस चार्ज कैरियर की वजह से हुआ है फ्लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और माइनॉरिटी हमें पता है कि बहुत कम नंबर में होते हैं, तो इसीलिए जो करंट होगा उसकी भी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कनेक्ट करना चाहूँगी कि हमने जब लास्ट क्लास में सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपैरिजन किया था कि हम ज़्यादा सिलिकॉन को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में हम इसलिए यूज़ कर रहे थे, हमने एक रीज़न आपको दिया था कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होती है वो लेसर होती है।
अगर ये लेसर होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि हमें पता है ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो इंट्रिंसिक में टेम्परेचर चेंज की वजह से जनरेट हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है जो कि रिवर्स में है और वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, वो काइंड ऑफ लीकेज करंट है, वो इसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही किसी डिवाइस में आ रहा है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में हमने देखा था कि सिलिकॉन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लेस थे, तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसा ही डिवाइस प्रेफर करेंगे जहाँ पे लीकेज के चांसेस कम हो। तो जब चार्ज कैरियर जो माइनॉरिटी हैं वो कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सॉरी जो करंट का क्वांटिटी है वो भी लेसर होगी जो करंट फ्लो करेगा इस मोमेंट। आई होप इट मेक्स अ सेंस टू एवरीवन। नेक्स्ट कम्स टू द रिवर्स बायस कंडीशन, जो भी हमने देखा उसी को कंक्लूड करते हुए, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर हमने देखा था इंक्रीज कर गई थी, ये एक उसका पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन कि हम देख सकते हैं कि डिप्लीशन जो रीजन है हमारा वो काफ़ी विड्थ में बढ़ गया है। ऑन इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज बैरियर वोल्टेज इंक्रीजेस, हैंस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीजेस थ्रू द जंक्शन। तो जैसे हमने ये वोल्टेज इंक्रीज किया था, रिवर्स में वोल्टेज लगाया था, तो क्या हुआ है हमारा, पहले हमने देखा नो बायस में एक बिल्ट इन वोल्टेज था, लेकिन हमने रिवर्स जब लगा दिया तो ये बिल्ट इन वोल्टेज और इंक्रीज हो गया क्योंकि डिप्लीशन विड्थ भी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अ स्मॉल करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लोस, जो हमने अभी देखा कि एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से एक करंट फ्लो कर रहा होगा जिसे हमने आई एस से डिनोट किया है, विच इज़ नथिंग बट एज रिवर्स सैचुरेशन करंट विच इज़ वेरी लेस बिकॉज इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। देन कम्स टू यही पॉइंट मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही थी कि हमने लास्ट क्लास में कैसे बोला था कि सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम, आई होप दैट इज़ क्लियर। देन कम्स टू फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन व्हाट वी डू, ऑब्वियसली बात है हमारे पास अगर एक डिवाइस है जो कि उसमें टू टर्मिनल्स हैं तो हम उसमें बैटरी का कनेक्शन टू वेज में ही कर सकते हैं पी एन, या तो हम पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर दें, या हम क्या कर सकते हैं जो हमने अभी रिवर्स में किया कि हम पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे और एन को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये दो ही तरीके हैं बैटरी कनेक्शन के। तो लास्ट अभी हमने ये रिवर्स बायस देखा कि जब हमने पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो दैट वॉज रिवर्स बायस क्योंकि वहाँ पे जंक्शन के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा था। और अगर हम देखें अभी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की, तो इसका मतलब ये है कि हम पी टर्मिनल ऑफ अपना डायोड का क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जो हमारा बैटरी है उसे एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ होगा क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वैसे ही हमारे पी साइड पे बहुत सारे होल्स होंगे मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन साइड में मेजॉरिटी में, और डिप्लीशन रीजन इनिशियली जब ये हमारा जीरो था तब हमें पता था कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन रहता है जहाँ पे आयन्स कुछ इस तरीके से स्टैक्ड रहते हैं और वो रीजन हमारा डिप्लीशन रीजन कहलाता है। जैसे ही हमने अपनी बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट किया तो अब हम देखते हैं कि होगा क्या, प्लस जो टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो हमारे होल्स को रिपेल करेगी, ठीक है, इस तरीके से रिपेल करेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन फील करेंगे ड्यू टू दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें पता है कि बैरियर है तो एक लिमिट क्रॉस करने के बाद ही ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे रीजन में मूव कर पाएंगे, और वो लिमिट ही जो थी हमारी वो कुछ और नहीं कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से हम जान रहे थे, जो अभी हमने बैरियर पोटेंशियल देखा था विच वॉज 0.7 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन, तो 0.7। तो अगर हम देखें कि ये वोल्टेज की वैल्यू मीन्स इनिशियली हम कितना भी बढ़ाएं, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनिशियली क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर को क्रॉस करने का अभी एनर्जी नहीं मिला है। फिर जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को इतना रिपल्शन मिल गया है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके क्या करेगा, टनल कर जाएगा और क्रॉस कर जाएगा हमारे जंक्शन को। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, इस टर्मिनल की तरफ आने लगेंगे, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ,
और जो होल्स हैं वो हम कहेंगे कि वो इस तरफ से हमारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आने लग गए। इट मींस कि अब जंक्शन में जो बैरियर था उस बैरियर को क्रॉस करके करंट यहाँ पे फ्लो करने लगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस मूवमेंट इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं करंट को शो करते हैं कि करंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हम आईडी से भी डिनोट कर सकते हैं और आई से भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ द डायोड करंट जो उसके अप्रॉक्स जंक्शन के अप्रॉक्स फ्लो कर पा रहा है। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस जंक्शन। देन कम्स टू ओके, जैसे हमने अभी देखा, दो बातें मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगी कि फॉरवर्ड बायस में हमने देखा कि करंट फ्लो करने लग जा रहा था आईडी, और वो इवन हम अभी आगे इक्वेशंस चेक करेंगे कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था, मतलब बहुत फास्टर इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि हमें पता है ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। जब भी हम अपने सर्किट में डायोड लगा होगा तो हमें पता है कि डायोड को हमें डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बायसिंग इसे रिप्लेस करना होगा, तभी हम सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होगी तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियली करंट इसके अप्रॉक्स फ्लो कर रहा है, तो हम एक्चुअल में इसको रिप्लेस कर देते हैं उस मोमेंट एज अ शॉर्ट सर्किट। ये आइडियल कंडीशन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। वैसे ही रिवर्स बायस में हमने देखा था कि वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट था वो एक्चुअल में हमारा लीकेज करंट है, उसे हमें नहीं पर हमें मेजॉरिटी की वजह से जो करंट मिलता है उसके अप्रॉक्स हम देखें, तो रिवर्स में ये करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसलिए हम वहाँ पे उसे एज अ ओपन स्विच रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, वही सारी बातें यहाँ पे कंक्लूड की हुई हैं। विड्थ ऑफ द डिप्लीशन, ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी, और हम एक टाइम आएगा जिसे देखेंगे हम कि वो बिल्कुल ही वैनिश हो गई है, ठीक है। आइडियली हम ऐसा कंसिडर करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग जंक्शन इंक्रीजेज एंड आई इंक्रीजेज एक्सपोनेंशली, ठीक है, जो करंट है वो एक्सपोनेंशली इंक्रीज करेगा। तो ये दो डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, पिक्चर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जब 0.4 वोल्ट हमने दिया है तो डिप्लीशन रीजन जो कि पहले इनिशियली इतनी थी अब वो रिड्यूस होके बहुत कम रह गई है, और जैसे जैसे हम ये वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे फॉरवर्ड बायस का, हम देखेंगे कि हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। देन कम्स टू द शॉकली डायोड इक्वेशन, जो हमने अभी बात कही कि जो डायोड के अप्रॉक्स करंट फ्लो कर रहा है इन फॉरवर्ड बायस, उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से है, जिसमें हम देख सकते हैं जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उस पे भी हमारा डायोड का करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है। इट मींस डायोड की फंक्शनिंग जो है वो अब IS पे डिपेंडेंट हो गई है, और IS हमें पता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली बात है, हमने ये बात करी हुई है पहले कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो जाए, मींस अगर पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे वो किसी अलग तरीके से वर्क करे और हम अगर उसे कहीं और ले जाएं डिफरेंट टेम्परेचर पे, फिर वो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से वर्क करने लगे, तो ये हमारे लिए आइडियल डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं इक्वेशन से, साथ ही साथ VD और VT जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डिवाइस है, इस पर भी डिपेंडेंसी होगी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू द इक्वेशंस ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। मोस्टली हमें यहाँ पे जो कंसिडर करना है, जो हमें समझना है, वो एक्चुअल में ये है कि इसे हम अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं। XD इज़ नथिंग बट द डिप्लीशन विड्थ, और ये हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंट है किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम, मींस हमने कितनी डोपिंग करी है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी विड्थ कैसे कैसे वेरी करेगी। ये जो पॉइंट यहाँ पे था इम्पॉर्टेंट, बैरियर पोटेंशियल जो हमने V0 की बात करी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से है। और साथ ही साथ इसमें जो मेन पॉइंट हमें कवर करना है वो यही है कि ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसकी वजह से ही हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे देन जर्मेनियम। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू द डिप्लीशन विड्थ डिपेंडेंसी ऑन डोपिंग कंसनट्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई एक PN जंक्शन है जो कि इस तरीके से नॉर्मल PN जंक्शन है, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन हमारा इम्प्योरिटी का ऐड किया गया है, तो हम विड्थ कह देते हैं कि वो एक विड्थ है जो कि WD से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स टू, अगर हम इस
डोपिंग को बढ़ा दें, लेवल ऑफ डोपिंग इंक्रीज कर दें, तो हमारे डिप्लीशन बिट को क्या होगा, हम देख सकते हैं वो डिप्लीशन बिट कम हो जाएगी। दूसरी बात आती है, जब हमने क्या किया है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हायर कॉन्सेंट्रेशन पे डोप किया है और पी को हमने लेसर कॉन्सेंट्रेशन पे डोप किया है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस साइड पे जो डोपिंग या विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो ग्रेटर है टुवर्ड्स पी, और एन में क्या है वो लेसर है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पता है कि जो हमारे चार्ज आयन्स हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, एज अ रिफ्लेक्ट मतलब रिपल्शन के लिए यूज़ हो जाते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से, अगर हम पी और एन की बात करें। और यहाँ फर्स्ट केस में ये बात हो रही है कि पी में हमने लेसर डोपिंग करी है, इसका मतलब यहाँ पे जो आयन्स होंगे वो दूर दूर हैं, ठीक है। और यहाँ पे पी टाइप में एन टाइप में बहुत ज़्यादा हमने डोपिंग करी है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज और हम कह सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगा, तो डिप्लीशन हम देखें कि अगर होल यहाँ से इस तरफ मूव करना चाहेगा तो यहाँ पे क्योंकि स्टैक ऑफ पॉजिटिव आयन्स बहुत ज़्यादा है जिस वजह से वो फर्दर मूव नहीं कर पाएगा या इस डेप्थ में और एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एन साइड में प्रेजेंट हैं अगर वो चाहें पी में आना, और हम बात कर रहे हैं कि एन भी हमारा क्या है हायर डोपिंग, तभी हमने यहाँ पे आयन्स का स्टैक दिखाया है, जब हायर डोपिंग में है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और वो इस तरफ आने लगेंगे, और यहाँ पे जो रिपल्शन करने के लिए आयन होता है वो भी लेसर है, तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे पी रीजन में एंटर कर जाएंगे, और एंटर कर जाएंगे तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पी रीजन में जो हमारा डिप्लीशन विड्थ होगी वो ग्रेटर होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एन और पी प्लस में देखें तो पी प्लस में और एन में जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो एन साइड पे ज़्यादा होगी जहाँ पे डोपिंग लेवल जो है हमारा लेस है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पी एन जंक्शन, आई थिंक द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज क्लियर। Thank you for watching.